हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकमिंग बैक टू अमदिशा फैमिली चैनल। सो आज मैं आपके साथ बेडरूम मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव चीज़ों से मैं बनाई हूँ। उतना कॉस्टली नहीं है जो मन में था बहुत दिनों से कि करना है ये सब। सो वही चीज़ें मुझे मिल गई थी, मैं बहुत दिनों से रखी थी घर पे, करना चाहती थी बट टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ कामों में बिजी थी। तो फाइनली आई एम डूइंग दिस। सो आई होप आपको अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए आप मेरे साथ ही ब्लॉग एंजॉय कीजिए। जो ये प्लांट्स देख रहे हैं, ये मनी प्लांट भी कहते हैं, पर एक्चुअली ये पोथस है। और उस कॉर्नर में मैं रखी हूँ चाइनीज़ मनी प्लांट। इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए एज पर द वास्तु, तो अच्छा होता है क्योंकि इट्स ओन बाय लॉर्ड गणेश। सो इसी वजह से मैं इस कॉर्नर में रखी हूँ। और अगर आप सोने के टाइम में फीट उस डायरेक्शन में रखते हो तो वो डायरेक्शन जहाँ पे प्लान से वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और यहाँ ड्रेसर जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं कुछ मिरर वैसा नहीं लगाई हूँ, बिकॉज वो फ्रंट करता है फेसिंग हमारी बेड की तरह, जो कि वास्तु के अनुसार इट्स नॉट रिकमेंडेड।
ये है पोथस प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, उसको केयर लेना इतना मुश्किल नहीं है। और ये है मॉन्स्टर प्लांट जिसका लीफ इस तरह होता है जब वो ग्रो होता है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मुझे $8 या $9 में मिल गया था, यहाँ पे एक शॉप है लकीज़ करके। और ये जो है ये मुझे ऐसा चाहिए था, तो लकीली आई गॉट इट फ्रॉम आई गेस मार्शल, वही एक स्टोर है वहाँ पे मिल गया था। और ये जो है इसका कोटेशन जैसे लिखा है, फेथ होप और लव, जो कि हर मैरिज में चाहिए, तो ये मुझे अच्छा लगा। सो आई गॉट दिस, आई थॉट दैट इट विल गेट मैच टू द वाइट वॉल। और जैसे कि आपने मैंने बताया था कि ड्रेसर में मैं कुछ मिरर नहीं लगाई हूँ, तो इसलिए मैं सोची थी कि कुछ मिरर उसी कलर का उसी टाइप का मिल जाए, थोड़ा एंटिक लुक लगे, तो वो लाई थी। और ये जो है कोटेशन मैं अमेज़ॉन से लाई बिकॉज इट वाज वेरी मीनिंगफुल। जब भी कुछ दिन आप स्टार्ट करते हो मॉर्निंग टाइम में, सो इफ़ यू लुक एंड रीड दिस सो इट विल बी अ वेरी गुड डे। और ये मैं एक शीन है, नो सॉरी आई बॉट दिस इज फ्रॉम वेलिंगटन ओनली। उसको लगाना था क्रैप, जैसे आप क्रैप करते हैं वैसा ही कुछ लगाना था। और ये जो कर्टन है सेम पैटर्न का है, और मुझे लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मेरी माइंड को लाइट कलर्स ब्राइट रखता है। सो आई विश माई कलर ऑफ द होम शुड बी इन ब्राइट कलर, जब भी सनलाइट्स आए तो रिफ्लेक्ट हो और मन को शांति मिले। सो आई ऑलवेज रिकमेंड, I don't know, but I always recommend for my family to be the wall color as bright so that the sunlight should reflect. तो इसी वजह से मैं ये कलर लाई थी। ये मेरी फ्रेंड ने दी है अर्पिता, जो कि आपने देखा होगा उसे मेरी ब्लॉग में। और ये है चाइनीज मनी प्लांट जो कि बहुत ही अच्छा है, माना जाता है लकी प्लांट है, और इसे भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट हियर। उसके साथ ये जो रहा कैनवस पेंटिंग जो कि मैं बहुत महीने पहले बनाई थी, और हमारा मैरिज फोटो। और ये जो मैं देख रही हूँ टेडी, ये बॉम्बे वाला ट्री में ही हमें मिला था, तो मुझे अच्छा लगा था मैं ले आई थी, और ये मैच कर रहा था, सो आई बॉट दिस टू। एंड इट्स अराउंड $4 आई थिंक, $8 या $9 में हो गया था। आई लव दिस वन ऑलवेज एंड फॉर एवर, सो आई पुट दिस ऑन द वॉल। और ए और डी जो लिखा है वो मैं अमेज़ॉन से लाई थी, कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा था। और ये सब बहुत सारी चीज़ मैं वेलिंगटन से लाई हूँ, except this one and the candle and that I bought from Amazon. Candle I think I got from Costco. ये जो फ्रैगरेंस बॉटल है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, अच्छा ऐसा स्मेल देता है रूम को। और ये वाला जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, मुझे पता नहीं था कि इतना छोटा सा है, बट आई जस्ट लव द आर्ट वर्क। So it's just $12, but I know it's a little bit pricey, but अच्छा है। And this one I bought from Burlington, जो कि एक अच्छा लुक देता है बेडरूम में। And this one also I like the look, and I bought this from Amazon। और कुछ books है जो कि मैं रात में कभी कभी पढ़ती हूँ या फिर सो जाती हूँ, क्योंकि और भी कुछ काम रहता है मेरे assignments जैसे। और ये रहा मेरी बेटी की बुक एक, जो कि वो गुड नाइट स्टोरीज में पढ़ती है। तो बस
कैसा लगा आप सभी को ये नया लुक मेरी बेडरूम मेकओवर की, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक ज़रूर लाइक दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड दिशा फैमिली। सो सी यू सून विद माय नेक्स्ट ब्लॉग। सो कीप स्माइलिंग, स्ट्रांग, स्टे सेफ। सो चलिए, गुड नाइट, बाय।